चुनौती तो बहुत थी, क्योंकि जो हमारी लड़ाई थी वो सीधा सरकार से थी। अभी सत्ता में जो सरकार है उनसे लड़ाई थी हमने, पर अपनी वार्ड की जनताओं की जो उम्मीदें हैं उन पर खरे उतर कर ये जीत हासिल की है। और मैं इस जीत के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और माननीय अमर अग्रवाल जी और उनके साथ ही जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी इस जीत के लिए। और साथ ही साथ वार्ड की जो जनता, उन्होंने हम पर वापस से भरोसा दिखाया, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। पार्टी का जो दायित्व है, जो ड्यूटी है विपक्ष में रहने का, बहुत अच्छे से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, ये बात उनको करना चाहिए, क्योंकि वह वार्ड बहुत ही सम्माननीय हमारे सहयोगी पार्षद स्वर्गीय निधि जैन के निधन के आकस्मिक निधन के कारण खाली हुआ था, उसमें आज उपचुनाव हुआ है। उसमें हमारी बेटी श्रद्धा जैन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को विजय मिली है। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ तक चुनाव की बात है कांग्रेस भाजपा की, हम लोग बहुत अच्छे से चुनाव लड़े, और जो पिछला चुनाव का परिणाम था उसमें 1800 वोट बीजेपी पाई थी, 1200 वोट निर्दलीय पाया था और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। और इस समय हम लोग मेहनत किए हैं, थोड़े से पीछे हो गए, कहीं ना कहीं हमारे से चूक हुई है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि थर्ड नंबर से सेकेंड नंबर पर पहुँचेंगे, थोड़ा सा और रणनीति की ठीक ठाक और हम सब लोग की मेहनत कर लेते तो कवर किया जा सकता था। लेकिन इलेक्शन इलेक्शन है, जीत हार होते रहता है। और मैं पुनः इस बात को कहूँगा जो पहले दिन से कहते आया हूँ, हम सब लोग मिलजुल करके इस शहर के विकास में कल भी लगे थे, आज भी लगे रहेंगे, और चुनाव आते जाते रहता है, और इस जीत को मैं स्वागत करता हूँ और उसको पुनः मैं बधाई देता हूँ।